अलीपुर गांव में करीब 10 एकड़ पंचायती भूमि विशाले पानी से लबालब भरे तालाब में तब्दील हो चुकी है। गांव में आसपास चल रही दर्जनों फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी अंधाधुंध तरीके से पंचायती भूमि पर बने तालाब में छोड़ा जा रहा है। फैक्ट्रियों के रासायनिक पानी से भरे दर्जनों टैंकर रोजाना इस तालाब में खाली किए जाते हैं। पंचायती भूमि पर हो रहे जहरीले पानी के डिस्पोजल को रोकने वाला कोई नहीं है, लिहाजा पर्यावरण और प्रदूषण के नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से पंचायती भूमि में निकासी जारी है। कई एकड़ में फैल चुका यह रासायनिक तालाब लाल रंग के पानी से भर चुका है। पंचायती भूमि पर छोड़े जा रहे विषैले पानी से भूमिगत जल में केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है। फैक्ट्रियों से छोड़े जा रहे रासायनिक पानी से भूमिगत जल का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी के साथ भूमिगत जल पर इसके असर का दायरा बढ़ रहा है, आने वाले कुछ ही वर्षों में अलीपुर गांव का पानी पीने लायक नहीं बचेगा। तालाब के पानी से उठने वाली बदबू से लोगों के स्वास्थ्य और फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बावजूद इसके न तो प्रशासन और न ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। आसपास के किसानों के मुताबिक फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी का सीधा असर इनकी फसल पर पड़ रहा है। तालाब के पानी से खेतों में लगे ट्यूबवेलों का पानी पीने लायक नहीं रहा। कई बार केमिकल युक्त पानी खेतों में घुसने का कारण उनकी फसलें तक बर्बाद हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि सरपंच अलीपुर और फैक्ट्रियों के मालिकों के बीच मिलीभगत है। पंचायती भूमि पर फैक्ट्रियों का पानी पंचायती भूमि में डालने के लिए मंथली वसूली जाती है। हालांकि फैक्ट्री संचालकों ने केमिकल युक्त पानी के खुले में छोड़े जाने से साफ इनकार किया है। फैक्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय जैन के मुताबिक अलीपुर गांव में लगी सभी फैक्ट्रियों में पानी को साफ करने के लिए ईटीपी प्लांट लगे हुए हैं। सभी फैक्ट्रियों ने ईटीपी प्लांट में ट्रीटमेंट किया हुआ पानी दोबारा से प्रयोग में लाया जाता है। गांव अलीपुर में चल रहे इस खतरनाक खेल की शिकायत के बाद बीडीपीओ राजेश कुमार ने इस मामले की जांच किए जाने का आश्वासन देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। केमिकल युक्त मोटर लग रही है, खाली करने हर रोज आते हैं आप? यहाँ हर रोज यही खाली करते हैं? कितने घंटे खाली होते हैं? डेली एक ही फैक्ट्री करते हैं अलग अलग? नहीं, एक ही। ये जी फैक्ट्री अपने आता है, 30-40 फैक्ट्री आई है। और ये लिपरेवाला सरपंच, इसने पानी ने पैसे लेता है, इसमें वो पानी गिरवाता है, गंदा पानी। हाँ, ये केमिकल का पानी है सारा, और बर्बाद होगी फसल ये सारी। मेरी 5-7 एकड़ जमीन थी, 8 एकड़ जमीन ठेके पे ले रखी थी मैंने गंजबड़ की, और 4 लाख में मैंने 8 किले ठेके पे ले रखे थे, और 6 किले मेरे खत्म हो गए, जीरे लाइल हुए। कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, मैं सारों को फिर मेरी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, सकते मान ले इसके पास, और फसल तो क्या ना हो जाएगी। भाई साहब, हमारी नॉलेज में तो कोई ऐसी बात है नहीं कि केमिकल का पानी कौन छोड़ रहा, क्या हमारी नॉलेज में कोई ये बात है? सब ने अपने ईटीपी प्लांट लगाए हुए हैं, सब अपना रीयूज करते हैं ईटीपी प्लांट से। हर एक आदमी ने अपना ईटीपी प्लांट लगाया और चालू कर रखा है। वो मैंने हमारे को कुछ आके बोला हो, हमारा सारा पानी रीयूज होके अंदर रीयूज हो रहा दोबारा से ईटीपी प्लांट में। तो यहाँ पे कोई बाहर का आदमी कोई पानी छोड़ रहा, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज न्यूज के लिए घरौंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।